यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सरकार के लाख नसीहतों के बाद भी पुलिसकर्मी सुधरने को तैयार नहीं है। ताजा मामला बाराबंकी के सुबेहा इलाके का है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते यूपी पुलिस के सिपाही ने खुलेआम विरोधियों को दिन दहाड़े गोली मरवाने की धमकी दे दी। बताया जा रहा है कि न्यायालय में मुकदमा हार जाने के बाद सिपाही राम सतन गुंडई के बल पर जमीन पर कब्जा करना चाहता है और इसी के लिए वो मौके पर मौजूद लोगों को धमकाने लगा, जिसकी वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि सिपाही को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। सिपाही से पुलिस को फोन करके मदद की गुहार लगाई, लेकिन हद तो तब हो गई जब सिपाही पर कार्रवाई के बदले पुलिस ने फोन करने वाले विपक्षियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। यही चीज अभी थाने में कहूंगा, सुनिएगा मेरी बात, यही थाने में कहूंगा। आपके उनके मामले है, आप कुछ कहो। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस ने उल्टा पीड़ित के ही खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिन दहाड़े जमीनी विवाद को लेकर ये युवक धमकाता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ही धमका रही है और दिन दहाड़े गोली मारने की धमकी इस पुलिसकर्मी की ओर से दी जा रही है। सिपाही पर जबरदस्ती जमीन जो है वो कब्जा करने का आरोप भी लगाया जा रहा है और एक युवक ने ये पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपके उनके मामले है, आप कुछ